back to my channel. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ L'Oreal के हेयर केयर रेंज के बारे में बात करने वाली हूँ. So we are going to talk about this L'Oreal Hyaluron Moisture 72 hour moisture filling shampoo with hyaluronic acid. You can say this is how it looks like. It is a very pretty packaging. Color बहुत ही प्यारा है, purple color, lavender color. It's my favorite. ओके जी, इसमें मैंने लिया है ये शैम्पू विच आई हैव यूज्ड दिस मच ऑफ अमाउंट. आई थिंक यू कांट सी बट आई कैन सी. मैंने हाफ बॉटल फिनिश कर ली है इस शैम्पू की एंड आई ऑल्सो परचेज्ड दिस 72 आवर मॉइस्चर सीलिंग कंडीशनर. डिटेंगल्स एंड लॉक्स इन मॉइस्चर डिहाइड्रेटेड हेयर के लिए है और मैंने लिया है 340 ml वाली पैकेजिंग वाला शैम्पू. यू कैन सी विच डिटेल्स फॉर रुपीज 389 और इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको मिल ही जाता है. मैंने नायका से लिए थी ये तीनों चीजें और 239 का आता है 180 ml वाला कंडीशनर एंड ऑल्सो ये मैंने लिया है हाइलरॉन मॉइस्चर हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रेम हाइलोरॉनिक एसिड 4 टाइम्स मोर हाइड्रेशन एंड सॉफ्टनेस लीव इन नो वे डाउन डिहाइड्रेटेड हेयर के लिए. ये एक लीव इन कंडीशनर है बेसिकली. सो ये तीनों ही मैंने परचेज किए थे और इन शैम्पू कंडीशनर एंड लिव इन क्रीम को यूज करते हुए ज्यादा नहीं तो 15 दिन तो हो ही चुके हैं और आई वॉश माई हेयर लाइक ट्वाइस इन अ वीक. तो दो बार तो आराम से वॉश कर ही लेती हूँ मैं. तो काफी अच्छे खासा रिजल्ट मुझे दिख गया है इसका. तो रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लाइक प्रोडक्ट जो है वो वर्थ दी हाइप है या नहीं है. अच्छा, सबसे पहले मैं इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूं तो फ्रेग्रेंस टिपिकल L'Oreal शैम्पू की जैसी फ्रेग्रेंस रहती है, बिल्कुल वैसे ही इसकी फ्रेग्रेंस है. और क्योंकि इसमें हाइलोरॉनिक एसिड है विच मीन्स कि ये डिहाइड्रेटेड हेयर के लिए काफी अच्छे से उनको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. अब मेरा जो हेयर केयर, मेरा जो स्कैल्प है वो काफी ज्यादा ऑयली है, बाकी जो मेरी लेंथ है वो काफी ज्यादा ड्राई है बिकॉज ऑफ ऑल केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से. मेरे बाल जो लेंथ काफी ड्राई रहती है, काफी फ्रिजी हो जाती है, लेकिन स्कैल्प मेरी ऑलमोस्ट, अगर मैं दो दिन हेड वॉश कर लेती हूँ तीसरे, अगर लाइक दो दिन पहले हेड वॉश किया तो तीसरे दिन मेरा स्कैल्प ऑयली हो जाता है. और आज क्योंकि मैंने फ्रेश बालों को इसी के साथ धोया है तो लाइक वॉश किया था मैंने, तो दिस द साइंस बिहाइंड डिहाइड्रेटेड हेयर, दिस इज द साइन ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर. द L'Oreal लेबोरेटरीज हैव डेवलप्ड 72 आवर मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू टू इंस्टेंटली फिल हेयर विद लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर फॉर शाइनियर 10 टाइम्स मोर हाइड्रेटेड हेयर विद नो वे डाउन. अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ. अगर आप लोगों को नहीं पता है कि हाइलोरॉनिक एसिड क्या है, तो हाइलोरॉनिक एसिड ना एक चुंबक की तरह काम करता है, लाइक इट वर्क्स लाइक एज अ मैग्नेट. ठीक है, जो जितना भी हवा में जितना भी मॉइस्चर होता है उसको अब्सॉर्ब करने में वो आपकी हेल्प करता है, लाइक उसको खींच लेता है लाइक अ मैग्नेट. आप लोगों ने सुना ही होगा हाइलोरॉनिक एसिड वाला फेस वॉश जो मैंने ट्राई किया हुआ है, L'Oreal का हाइलोरॉनिक एसिड वाली मॉइस्चराइजर, हाइलोरॉनिक एसिड वाला सीरम एंड हर चीज जो हाइलोरॉनिक एसिड की पाई जाती है L'Oreal की, वो सब चीजें मैंने ट्राई की है. सो आई थॉट क्यों ना मैं शैम्पू कंडीशनर भी यूज कर ही लूं. और अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी मैंने अपने बालों को कॉम्ब सिर्फ आई थिंक दोपहर को किया था और उसके बाद मैंने कॉम्ब भी नहीं किया अपने बालों को, एंड दिस इज माई नेचुरल टेक्स्चर जो बालों का. एंड मैंने ड्राई ब्लो ड्राई भी नहीं किया आज अपने बालों को, मुझे था कि मैं आपको दिखाऊं इसका आफ्टर इफेक्ट. सो यू कैन सी जब वॉश करने के बाद मेरे बाल काफी ज्यादा, इसके साथ आपको शाइन तो डेफिनेटली देखने में मिलती है. सो ये शैम्पू है जो काफी अच्छे से आपके बालों को क्लीन तो करता ही है, उसी के साथ काफी फ्रेश एंड क्लीन आपको फ्रेश फील होता है एंड ऑफकोर्स आपके बालों को काफी ज्यादा बाउंसी भी बना देता है. अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्लैट आपको दिखते हैं, फ्लैट बालों की समस्या है आपके बालों में, तो डेफिनेटली आप तब कंसिडर कर सकते हो बिकॉज इट मेक्स योर हेयर्स वेरी बाउंसी एंड वेरी शाइनी. यू कैन सी, ठीक है, नेचुरली काफी अच्छे से आपके बाल शाइन करते हैं, काफी बाउंसी इफेक्ट आपके बालों को मिलता है और कंडीशनर की भी काफी अच्छे से बालों को स्मूथ करता है काफी अच्छे से एंड लेंथ को काफी अगर तो देखो मेरे जो एंड्स है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे एंड्स पर आती है बिकॉज मेरा जो कलर है ना, एज यू कैन सी, काफी ज्यादा नीचे की तरफ आ चुका है और एंड्स पे ही मेरे जो बाल है वो ज्यादा ड्राई और फ्रिजी फील होते हैं. बट जब से मैं इस कंडीशनर शैम्पू को यूज करना शुरू किया ना, शैम्पू कंडीशनर को, तब से जो मेरे एंड्स है ना, जो मेरे नीचे की तरफ एंड्स
वो उतने ज्यादा ड्राई या फ्रिजी फील नहीं होते हैं। इससे पहले मेरे बाल जो थे काफी, जो मैं पहले वाला शैम्पू कंडीशनर यूज करी थी तो अच्छा था, लेकिन एक दो दिन के बाद फिर वो नॉर्मली वैसे ही बिहेव करते थे, लाइक वैसे ही ड्राई एंड फ्रिजी हो जाते थे। लेकिन इसके साथ बिकॉज कॉन्स्टेंटली मैं इसी को यूज कर रही तो उतना ज्यादा बुरा इफेक्ट मुझे नहीं मिला है। यू कैन सी मेरे बाल जो एंड्स यहाँ पे हैं काफी स्मूद दिख रहे हैं। यू कैन सी अभी मैंने कोई सिरम या कुछ ऐसा नहीं लगाया है, सिर्फ इसी शैम्पू कंडीशनर के साथ बालों को वॉश किया है। अब हम बात करते हैं इस हाइलरॉन मॉइस्चर हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम के बारे में। इसको ना बहुत ही ज्यादा फैंसी नेम दिया गया है, लेट मी टाई माई हेयर फर्स्ट। ओके, मैंने बेसिकली इस स्पेशली इस रेंज को इसलिए परचेज किया था बिकॉज मैं ना ऑल टाइम जब मैं शूट्स वगैरह नहीं करती हूँ लाइक घर पे, ऑल टाइम मैं बन बना के रखती हूँ। और यू नो सबसे बुरी चीज यही होती है, अगर आप अपने बालों को हमेशा टाई करके रखते हो, बन बना के रखते हो, तो सबसे ज्यादा आपको स्प्लिट एंड्स की दिक्कत आती है, सबसे ज्यादा आपके बाल यू नो लेंथ आपकी फ्रिजी ड्राई होनी शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ यही हो रहा था कि मेरे जो लेंथ थी ना, मेरे जो एंड्स थे बालों के, वो काफी ज्यादा रूट्स वो डे बाय डे ना बहुत ज्यादा ड्राई एंड फ्रिजी होने हो ही जा रहे थे, और स्प्लिट एंड्स की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है धीरे धीरे अगर ऐसे ही हालत रहती है। तो मुझे इस वजह से मुझे था कि मैं मॉइस्चराइजिंग हो, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करे मेरे बालों को, ऐसा कोई शैम्पू कंडीशनर मैं यूज करूं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी डर था क्योंकि मेरी स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाती है और बहुत जल्दी मुझे डैंड्रफ भी हो जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा हर चीज की खिचड़ी बनी पड़ी है, डैंड्रफ भी हो जाती है स्कैल्प में और ऑयली भी हो जाती है, लेकिन लेंथ मेरी बहुत ज्यादा ड्राई रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल शैम्पू कंडीशनर के बारे में, तो यस इट सर्व्स इट्स पर्पस। ये जो क्लेम करते हैं लाइक 72 आवर तक मॉइस्चराइजेशन, आपके मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू मॉइस्चर को फिल करके रखते हैं, डेफिनेटली आपके जो बाल हैं काफी शाइनियर काफी बाउंसी बने रहते हैं दो तीन दिन तक आराम से। मेरे 3 दिन तक आराम से बाल मेरे शाइनी एंड बाउंसी बने रहते हैं, लेकिन मेरी स्कैल्प जो है वो थोड़ी थोड़ी ऑयली होनी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं इस हाइलरॉन मॉइस्चर हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम के बारे में। सो ये एक यू नो लीव इन कंडीशनर है, जस्ट लाइक एनी अदर हेयर मास्क, ठीक है, कुछ ऐसा स्पेशली इसमें नहीं है, जस्ट इसको एक यू नो फैंसी नेम दिया गया है। हाँ, इसको भी आप एज यूजली जैसे हम यू नो लिविंग कंडीशनर्स को अप्लाई करके छोड़ देते हैं ना, उसके बाद अगर आपको वॉश करना है करो, अगर नहीं करना है तो मत करो, दिस इज दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। इसको भी आई रियली इंजॉइंग यूजिंग दिस यू नो प्रोडक्ट। तो तीनों ही जो प्रोडक्ट्स हैं मुझे अगर आप अपने बालों के लिए ड्राई डिहाइड्रेटेड हेयर के लिए अच्छा शैम्पू कंडीशनर एंड यू नो मास्क का कोई कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हो जो आपके एक्स्ट्रा फ्रिजी बालों को, अगर स्पेशली जिनके एंड्स जो है वो काफी ज्यादा स्प्लिट एंड से भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा यू नो ड्राइनेस या फ्रिजीनेस से भरे हुए हैं, डेफिनेटली आपको ये वाली रेंज ट्राई करनी चाहिए बिकॉज इन माई ओपिनियन ये इतने महंगे भी नहीं है, ओवरली प्राइस्ड नहीं है। आई थिंक इन सब में 499 लाइक 180 ml की ये जो मॉइस्चर हाई जो नाइट क्रीम है यही सबसे ज्यादा महंगी है, बट इसकी भी आपको बहुत ज्यादा यू नो क्वांटिटी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेट मी शो यू द टेक्सचर, यू कैन सी, क्योंकि इसका इतना ज्यादा थिक टेक्सचर नहीं है, तो आई थिंक ये मेरे लिए तो इट्स लाइक मोर देन इनफ। मैं इसको ऐसे अच्छे से यू नो स्प्रेड करके एंड अपने एंड्स में अप्लाई कर लेती हूँ। इट स्मेल्स वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट, मुझे इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो काफी अच्छी लगती है और यू नो काफी रिच फील आपको देता है, काफी फील लाइक अगर आप एक चीज और मैं बताती हूँ आपको, जैसे ये नाइट क्रीम अगर आप अप्लाई करते हो ना जो ये लिव इन कंडीशनर है, तो आपके बालों में से खुशबू बहुत अच्छी आती है। लाइक अगर आपको ऐसे दिक्कत है ना कि आपके यू नो स्वेटिंग की वजह से बहुत सारे लोगों से बालों में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो ये लिव इन कंडीशनर लगाने के बाद थोड़ी सी समस्या आपकी वो भी कम हो जाएगी, वो भी दिक्कत कम हो जाएगी बिकॉज इसके साथ आपके बाल काफी ज्यादा यू नो स्मूथ तो होते ही हैं, सॉफ्ट होते ही हैं, स्पेशली एंड्स मेरे जहां पे मैं इनको ज्यादा अप्लाई करती हूँ उसी के साथ ये स्मेल भी बहुत अच्छे करते हैं। सो डेफिनेटली इट विल दिस शैम्पू कंडीशनर एंड लिव इन कंडीशनर का कॉम्बो विल मेक योर हेयर वेरी बाउंसी वेरी शाइनी। एंड अब मुझे लगा था कि मेरे जो स्कैल्प है ना वो काफी ज्यादा ऑयली हो जाती है, तो कहीं इसको अप्लाई करने के बाद एक्स्ट्रा ऑयलीनेस मेरे स्कैल्प में होना ना शुरू हो जाए, तो उसका कोई दिक्कत मुझे नहीं आई है। मेरे जो स्कैल्प है वो यूजली जितनी ऑयली होती थी 3-4 दिन में उतनी ही ऑयली हो रही है ना, मुझे कोई ऐसा नहीं है, कोई सुधार भी नहीं दिखा है और कोई ज्यादा मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा कि पहले से ज्यादा ऑयली हो रही है, नॉर्मली है। मुझे ज्यादा मेन दिक्कत
रही थी अपने बालों को यहाँ से, मतलब ये एकदम अभी तो मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अगर मैं ब्लो ड्राई करके दिखाऊँ ना आप लोगों को तो आपको एकदम सलॉन लाइक इफेक्ट मिलेगा। वो मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे एक और वीडियो शूट करनी है और मुझे था कि मैं आपको ना एक रॉ यू नो दिखाऊँ चीज़ कि ऐसे नेचुरली मेरे बाल, ऐसे ही घर पे मैं रहती हूँ और ऐसे ही बाल रहते हैं, बट एंड्स मेरे काफ़ी स्मूथ सॉफ्ट हो गए हैं विच आई रियली लाइक। वरना जब आप जूड़ा करते हो या पोनी करते हो या खुले छोड़ते हो ना तो आपके बाल नीचे से इतने गंदे दिखते हैं ना, अगर वो ड्राई फ्रिजी या फिर स्प्लिट एंड्स के साथ होते हैं तो उस वजह से। अगर तो सबसे वही चीज़ है कि अगर आपके बाल नीचे से बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रिजी हैं, अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स की दिक्कत है, देन यू शुड डेफिनेटली यू नो अपना शैम्पू आपको डेफिनेटली स्विच कर लेना चाहिए इस रेंज के साथ, बिकॉज इट्स नॉट वेरी काइंड ऑफ, इट्स नॉट वेरी यू नो महंगा वाला रेंज, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ऑल्दो ये वाली जो 500 की, ये 180 ml की हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम है, ये काफी लंबे समय तक आपकी चल जाएगी। इसको जरूरी नहीं आपने हर बार ही लगाना है जब वॉश करना है, लाइक समटाइम्स अगर जैसे कई बार हम वीकली, कई लोग ऑयल लगाना पसंद करते हैं, ऑयलिंग करना पसंद करते हैं, तो हफ्ते में अगर एक बार ऑयल लगा लिया, एक बार आप ये लगा सकते हो एज अ लिविंग कंडीशनर, तो आपके बाल नरिश्ड रहेंगे, मॉइस्चराइज रहेंगे। हाँ, अगर कुछ लोग जिनको ऑयल लगाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, देन उनके लिए भी ये काफी अच्छी ऑप्शन है। ओके, इन माई ओपिनियन आई थिंक दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम लॉरियल टोटली वर्थ दी हाइप, जो इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है इंटरनेट के ऊपर, आई थिंक दे टोटली वर्थ द हाइप। सो अगर आप लोगों को ट्राई करना है इस रेंज को, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, एंड छोटी साइज से भी आप ट्राई कर सकते हो। मुझे पर्सनली ये रेंज काफी ज्यादा पसंद आई। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप आप लोगों के लिए ये मेरा छोटा सा रिव्यू वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।